Assalamu alaikum students, in this video we will talk about the advantages of arrays. Number one, हमारे पास code optimization. Code को हम optimize किस तरह करते हैं? Less code to access the data. मतलब arrays के अंदर जो हम programming करते हैं या program code करते हैं तो उसके अंदर हमें लेस कोड की मतलब इतनी ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी तरह का डाटा एक्सेस करने के लिए, कोई भी आउटपुट लेने के लिए. ठीक है, सेकंड है हमारे पास ईज ऑफ ट्रेवर्सिंग, मींस बाय यूजिंग द फॉर लूप को यूज़ करने के ज़रिए वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इजीली. हम एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं एरे के अंदर. ठीक है, थर्ड हमारे पास ईज ऑफ सॉर्टिंग, मीन्स टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे, मतलब कि एरेज के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए वी नीड अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड ओनली. मतलब हमें इतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि सेवरल लाइंस ऑफ कोड, वी जस्ट डोंट नीड इट. फोर हमारे पास रैंडम एक्सेस, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे. हम कोई भी किसी भी तरह का एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली, मतलब एक सीरीज के अंदर एरेज के को यूज करते हुए. ये इनके चंद एक फायदे हैं. ठीक है, उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं. ये डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या हैं? सबसे जो बड़ा इसका जो नुकसान है वो है फिक्स, इनका साइज फिक्स होता है. ठीक है, वट एवर द साइज इज वी डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे वी कैन नॉट एक्सीड द लिमिट. साइज जो मर्जी होना चाहिए, ठीक है, जितनी मर्जी बड़ा हो जाना चाहिए एरेज का, मतलब जितने मर्जी एलिमेंट्स हो जाएं कोई मसला नहीं है. वी डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, मतलब कि हम इस एक लिमिट तक को एक्सीड नहीं कर सकते, उस लिमिट को बढ़ा नहीं सकते. ठीक है, सो इट डजंट ग्रो द साइज डायनेमिकली लाइक लिंक्ड लिस्ट. लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर वैसे पढ़ी जाती हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो वो हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे इन चीज़ों को. हमारे पास है एरेज को डिक्लेयर किस तरह करते हैं सी लैंग्वेजेस के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, वी कैन डिक्लेयर एन एरे इन द सी लैंग्वेज बाय दिस वे. फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा टाइप लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर इंट है, इंटीजर्स ले रहे हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट ले रहे हैं, फ्लोट डाटा टाइप या डबल या कुछ भी, जो भी ले रहे हैं हम. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप आएगी, उसके बाद स्पेस, के बाद हमारे पास एरेज का नाम आएगा, मतलब एरे नेम क्या है वो आएगा. उसके बाद जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आएगा एरेज का साइज, मतलब कि एलिमेंट्स कौन कौन सा एलिमेंट आपने लिखना है उसका साइज क्या होना चाहिए. Now let's see the example to declare the array. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, डेटा टाइप जैसे कि इंट हो गई, फॉर एग्जाम्पल हम इंटीजर्स यहाँ पे ले रहे हैं, इंट हो गया. और उसके बाद एरे नेम, एरे नेम क्या है जी, मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स. और एरे का साइज क्या होना चाहिए, 5, मीन्स के 5 एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास. ठीक है, सेमी कॉलन के साथ हम इस स्टेटमेंट को एंड करते हैं. हेयर इंट इज द डाटा टाइप, वो इसमें यही बता रहा कि ये जो इंट है ये एक डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप हो गया. और मार्क्स आर द एरेज, एरे नेम मतलब ये जो मार्क्स है इंट मार्क्स, तो ये क्या है, ये एरे का नाम है. और जो 5 है यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर वो एरेज का साइज है. ठीक है, साइज ऑफ एरे. उसके बाद हमारे पास है एरेज को इनिशियलाइज किस तरह किया जाता है. The simplest way to initialize an array is by using the index of each element. मतलब को जो बिल्कुल सादा तरीका, सिंपल तरीका है, ठीक है, ये एरेज को इनिशियलाइज करने का, वो है
बाय यूजिंग द ये इंडेक्स जो होते हैं 0 1 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सेस को, तो इंडेक्स यूज करके हम एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट को हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं अरेज को. वी कैन इनिशियलाइज ईच एलिमेंट ऑफ एरे बाय यूजिंग द इंडेक्स. कंसिडर फॉलोइंग एग्जांपल. ये बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल स्क्रीन पे दी जा रही है. फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्क्स हैं, मार्क्स कितने हैं जी, 80 हैं, ठीक है, जबकि इंडेक्स क्या होगा इसका, 0. 0 इंडेक्स पे जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो 80 हैं, और सेकंड हमारे पास इंडेक्स 1 पे मार्क्स 60 आ गए, सेकंड इंडेक्स 2 पे मतलब के तीसरे नंबर पे इंडेक्स 2 है, मतलब 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, 0 1 2. सो तीसरे नंबर हमारे पास 70 85 75, फिफ्थ नंबर पे, ठीक है, इस तरह करके हम इनिशियलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे दे रहा है इस यही एग्जांपल ये हम यहाँ पे देख लेते हैं. जिस तरह यहाँ पे ये 80 देख रहे हैं, 80 कहाँ पे आ रहा है, मार्क्स इंडेक्स 0 पे आ गया, ठीक है. सेकंड नंबर पे हमारे पास था 60, तो ये कहाँ पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे मार्क्स, ये इंडेक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 अप टू 4, ठीक है, मतलब कि 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं हमारे हमें एरेज के अंदर. तो ये किस तरह इसको इनिशियलाइज किया जा रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम छोटी सी एक एग्जाम्पल भी साथ में देख लेते हैं. तो आप भी प्लीज़ अपना कंपाइलर ओपन कर लें और हम एक छोटे सा प्रोग्राम भी देख लेते हैं साथ में. तो यहाँ पे मैं अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है. एक हम छोटी सी एग्जाम्पल लेने वाले हैं ये कि कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे उनको फाइंड करना चाहते हैं, एरेज के अंदर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि एरेज के अंदर हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के फाइंड करते हैं. सो बाय यूजिंग कंट्रोल एन मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो हेडर फाइल है हम वो लिखेंगे, राइट करेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच. उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है बाय यूजिंग इंट मेन. अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल जो 0 से स्टार्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है. सो उसके बाद अच्छा, अब हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हम एरेज को डिक्लेयर किस तरह करते हैं. सो इंट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, तो मार्क्स जो है वो हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर देंगे. मार्क्स कितने, मतलब कितने स्टूडेंट्स के हमें चाहिए जी, 5 स्टूडेंट्स के. फॉर एग्जाम्पल हमें 5 स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स चाहिए, तो एट द एंड ऑफ दिस लाइन वी विल यूज सेमी कॉलन टू एंड द स्टेटमेंट, ठीक है. उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा साथ में कमेंट लिख देता हूँ टू डिक्लेयर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एरे. ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर ये जो लाइन है इंट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं, फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एरे. ठीक है, उसके बाद अब हम इनिशियलाइजेशन मतलब के इसको इनिशियलाइज किस तरह करवाना चाह रहे हैं. सो मार्क्स मतलब वन बाय वन हम तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स देते जाएंगे विद इंडेक्स वैल्यूज,
इंडेक्स के साथ साथ. सो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास कितने मार्क्स आएंगे, इक्वल टू फॉर एग्जांपल 95 फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे. फॉर द इनिशियलाइजेशन ठीक है, हम इस तरह करते हैं. उसके बाद वन इंडेक्स जो है, मतलब जो सेकेंड इंडेक्स है हमारे पास मार्क्स, वन इंडेक्स वन पे हमारे पास मार्क्स कितने आएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी 85 और 88 मार्क्स टू इक्वल टू 87 एट इंडेक्स थ्री फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ले लेता हूं जी 80 एट इंडेक्स फोर मैं ले लेता हूं यहां पे 84 ठीक है. अच्छा उसके बाद हम एरेस को ट्रेवर्स करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप. फॉर एग्जांपल आई जो इनिशियलाइजेशन है हमारे पास आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन फाइव, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो इंडेक्स से और फाइव तक जाना चाहिए, मतलब फाइव से कम होना चाहिए, मतलब कि फाइव एलिमेंट्स हैं तो जीरो टू फोर है, फोर होगा आई प्लस प्लस फॉर इंक्रीमेंटेशन बाय यूजिंग प्रिंट एफ. By using marks of I तो ये जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फॉर लूप को एंड कर रही है, एंड ऑफ फॉर लूप. उसके बाद हम अपने रिटर्न को फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे ठीक है, रिटर्न जीरो. हमारा ये प्रोग्राम डिजाइन हो चुका है, अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं. ये देखें हमारे पास जो मार्क्स थे स्टूडेंट्स के वो हमारे पास इस तरह तरीके से आ चुके हैं, मतलब कि जीरो इंडेक्स पे 95 है ठीक है, इंडेक्स वन पे 88, इंडेक्स टू पे 87, इंडेक्स थ्री पे 80 एंड इंडेक्स फोर पे मतलब कि फिफ्थ एलिमेंट जो हमारे पास है वो 84 है, मतलब इतने जो मार्क्स हैं, मतलब इस तरह हम एरेज को रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी तरह के जो मार्क्स वगैरह हैं या फिर कुछ भी वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर ठीक है. तो ये रही तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम एरेज को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं.